तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ये एक कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। मैंने इससे नॉर्मल ब्लॉगिंग भी टेस्ट करी थी बट उतनी बेटर क्वालिटी नहीं दे पा रहा था जितना मेरा फ़ोन देता है। तो फॉर नाउ मैं ब्लॉगिंग फ़ोन से ही करूँगा एंड मोटो ब्लॉगिंग शायद इस कैमरा से करूँगा अगर इसने रिजल्ट अच्छा लिया तो। मैंने फिलहाल जो सेटिंग्स कर रखी है उनके बारे में बता देता हूँ। 1080p या 60fps एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है और वाइजर थोड़ा सा खुला हुआ है जिससे यू नो आवाज़ में जो एको आता है वो नहीं आएगा शायद। और लेकिन वाइजर खोलने से अगर एको कम होता है तो विंड ब्लास्ट आने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन माइक मैंने कुछ पोजीशन चेंज करी है, थोड़ा पीछे करा है जिससे शायद विंड ब्लास्ट नहीं आएगा या आ भी सकता है पता नहीं। अभी वाइजर बंद करके चलाता हूँ तो पता चलेगा आपको फर्क कितना पड़ता है। ये कैमरा लगाने से ना सच्ची हेलमेट सेटअप पे इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरी गर्दन बहुत आराम पड़ता है। पहले जो है सेटअप बहुत भारी हो जाता था बिकॉज फ़ोन, उसका माउंट, फिर उसके नीचे जे माउंट के ऊपर भी एक टॉप पोल माउंट लगता था जिसमें स्क्रू होता है तो काफ़ी भारी सेटअप हो जाता है। इसमें क्या है कि जे माउंट है उसके ऊपर कैमरा है एंड लाइफ सॉर्टेड, वेट काफ़ी कम हो गया है। ये एडवांटेज है इस सेटअप का। तो अगर इसमें थोड़ा और स्टेबलाइजेशन भी है, उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होता जो सेटअप में यूज़ करता था बिकॉज फ़ोन है तो विंड ब्लास्ट जब लगता है तो फ़ोन एक साइड जाता है, कोई सी एक साइड जाता है तो उस वजह से स्टेबलाइजेशन भी नहीं आ पाता। एंड ये क्या है, ये फिक्स हो जाता है तो इसमें स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसने अच्छा परफॉर्म करा तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, और अगर वीडियो नहीं मिली तो समझ लो अच्छा परफॉर्म नहीं करा। वैसे वीडियो नहीं मिली तो टेक्निकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि शूट हुई थी, लेकिन समझ लो कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा कैमरा, ठीक है। या मैं सोच रहा हूँ वीडियो डाल ही दूंगा, कुछ भी होता है वीडियो तो डाल ही दूंगा। वीडियो डालने में क्या हो रही है पर यार पता है बहुत दुख होता है जब व्यूज़ नहीं आते ना मेहनत करने के बाद, या तो कुछ सेटअप में प्रॉब्लम हो जाए और वीडियो ख़राब हो जाए वीडियो डले ना तो बहुत दुख होता है। और जब वीडियो डलती है तब व्यूज़ नहीं आते तो और दिमाग ख़राब होता है क्योंकि उसमें मेहनत बढ़ जाती है एडिटिंग की भी, एडिटिंग कुछ करनी पड़ती है ना भाई, उसमें मेहनत बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है। अभी क्या कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ यार व्यूज़ देने शुरू करो चैनल पर प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, सा यो ना रा एंड लिव योर लाइफ एज यू वांट टू, बाय बाय, सी या।